हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और है गाइस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ओप्पो का A3s मॉडल है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें प्रॉब्लम है चार्जिंग एरर का। तो चलिए फोन को फटाफट ओपन कर देते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है गाइस। और इसका जो सोल्यूशन है, मैं आपको फुल सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका मैंने लास्ट में एंडलेस सोल्यूशन बताया है कि आप इसमें क्या कर सकते हो। अभी प्रैक्टिकल भी दिखाया है कि इसमें कैसे इसको सोल्यूशन को हम कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग का इंडिकेट कर रहा है। और इसमें देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या बनती है। और वीडियो को आप इसीलिए लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। देख सकते हैं अभी चार्जिंग 10% शो कर रहा है, पर अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि चार्जिंग एरर का। तो देख यहाँ पे चार्जिंग रन का एक मैसेज आ चुका है गाइस, और इसको हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो एंडलेस सोल्यूशन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आप हमारे चैनल में नए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। तो चलिए फटाफट एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चार्जिंग एरर का एक मैसेज आ रहा है, इसका सोल्यूशन करने वाले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लास्ट दिन तक जरूर देखिएगा, वीडियो को आप लास्ट दिन तक नहीं देखते। तो ये जो वीडियो था गाइज, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये मैंने आपको प्रॉब्लम्स को बता दिया, सॉल्यूशंस आपको लास्ट में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ऐसा नहीं कि मैं केवल डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। इसका सोल्यूशन मैं एंडलेस बताऊंगा। तो एंडलेस सोल्यूशन बताने से पहले पहले आप इसको लाइनों के बारे में समझना करिए गाइस। आप एक काम कर रहे हो तो पर्टिकुलर काम परफेक्ट तरीके से काम सीखिए और काम करिए, तो ज्यादा मजा आएगा। तो मैं आपको पहले इसके सप्लाइयों के बारे में बता देता हूँ, फिर लास्ट में मैं आपको वहां पे इसका सोल्यूशन भी दिखा दूंगा और सोल्यूशन भी बता दूंगा गाइस। तो चलिए फटाफट यहाँ पे हम करना क्या है, पहले मैं इसको सप्लाइयों के बारे में आपको नॉलेज दे दूँ। तो इसके सप्लाइयों के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो देख सकते हैं हमारा ये बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर है गाइस। जाहिर सी बात है, ये हमारा एक बी बैट है ये वाला, और ये हमारी दो सप्लाई और होती है। इसमें बी बैट आईडी और बैट थर्म की लाइन होती है। तो जो आप देख सकते हैं बैगनी कलर का, ये हमारी बैट आईडी की लाइन है जिससे ये प्रॉब्लम आता है। तो आपको जो प्रॉब्लम ये मैंने चार्जिंग एरर का आपको बताया है, जो आपने चार्जिंग आप यहाँ पे देख रहे हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बैट आईडी वाली लाइन, मैं यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा चार्जिंग सेक्शन को भी, कि क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है। आपको सीधी सी बात मैं एक शॉर्ट में आपको समझा दूंगा कि अगर आपका चार्जिंग प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो। फिलहाल जो यहाँ पे चार्जिंग एरर का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो आपको जो लाइन आपको ट्रेस करनी है गाइस, वो ये वाली लाइन है हमारी बैट आईडी की लाइन। आप जैसे यहाँ पे कनेक्टर्स को देख रहे, आप इस कनेक्टर में इस वाली लाइन को आपको ट्रेस करना है। इसमें आपकी जीआर आनी चाहिए, यार नहीं आ रही है तो अगर ये लाइन ओपन हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, लीकेज हो जाएगी, तो भी गाइस मैं आपको बता दूं ये आपका प्रॉब्लम करेगा। आपका यहाँ पे चार्जिंग रन का एक मैसेज आएगा, इंडिकेशन उसको शो नहीं होगा। तो चलिए सप्लाई में आपको मैं बता दूं, बैगनी कलर की लाइन है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारी बैट आईडी की लाइन है। बैट आईडी की जो लाइन है उसके बोर्ड दूसरे साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक रजिस्टर यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो ये जो रजिस्टर है गाइस, ये दोनों ही हाई वैल्यू का लगा है, एक पैलर में लगा हुआ है और एक सीरीज में आपका हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है। तो सबसे पहले इन दोनों कॉम्पोनेंट को आपको रिमूव या रिप्लेस करना है गाइस। सबसे पहले आपको इन दोनों कॉम्पोनेंट को रिमूव या रिप्लेस, यहाँ पे कोई भी जम्पर नहीं मारना है। इस कॉम्पोनेंट को भी आपको जीआर चेक कर लेना है कि नहीं है। तो यहाँ से आपका यहाँ तक कंटिन्यूटी आना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं आ रही है गाइस, यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे भी जंपर यहाँ से उठा करके इस कॉम्पोनेंट पे जंपर आप मार सकते हो, तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं गाइज ये लाइन कहाँ जा रही है। तो ये लाइन जा रही है गाइज पीएमआई आईसी के पास, पीएम में नहीं, ये जा रही है पूरा जो हमारा एक डीसी टू डीसी आईसी होता है, चार्जिंग आईसी होती है, ये हमारी पीएमआई लगी हुई गाइज। तो सीधा और सीधा ये जा रहा है आपका पीएमआई में, कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं लगा है। तो इन शॉर्ट का जो प्रॉब्लम था गाइज, अगर आपका यहाँ पे जो सोल्यूशन है, सबसे पहला अगर आपने देख लिया है, क्योंकि मैंने इसका सोल्यूशन बता चुका है, तो मैं सोल्यूशन आपको भी लास्ट एंड पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने देखा जो हमें मैंने सोल्यूशन आपको बताया है, अगर वो फॉल्ट नहीं है, तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे ये सीधा और सीधा इस पीएमआईसी को चेंज करना है, पीएमआई को चेंज करना है। आप चेंज करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा जो थर्म की भी लाइन है, वो इसी ट्रैक में आ रही है। सारा सप्लाई अमूमन जो चार्जिंग की भी होती है, ये आपका यहाँ पे आप देखेंगे आपका वीपीआईसी भी लगा हुआ है, देख सकते हैं चार्जिंग का। मैंने एक पर्टिकुलर सारे वीडियो भी बनाता रहता। तो चलिए फटाफट मैं आपको बता ही देता हूँ, एक डायरेक्ट सोल्यूशन दे देता हूँ, चार्जिंग मैंने बोला था। तो गाइस आपको यहाँ पे सीधा और सीधा ये जो कैपेसिटर देख रहे हैं पीएमआईसी, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट आना चाहिए।
सीधा और सीधा आपको 5 वोल्ट डालना चाहिए। अगर आपका सब पीसी भी सही है और आपका ये कनेक्टर अगर ये सही है गाइस, तो इस कनेक्टर को आप देख सकते हैं, इस कनेक्टर से लेकर के अगर आपका कनेक्टर यहाँ से लेकर के यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है और यहाँ 5 वोल्ट नहीं आ रहा, तो सीधा आप यहाँ से उठाकर एक जम्पर मार दो, आपका 5 वोल्ट पहुंच जाएगा। अगर 5 वोल्ट पहुंच रहा है और फिर भी चार्जिंग से प्रॉब्लम है रिलेटेड, तो सीधा और सीधा गाइस इस पीएमआईसी को चेंज कर दीजिए, पीएमआई को चेंज कर दीजिए, आपका चार्जिंग भी 110% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बीच में देखिए एक लगा हुआ है, आपको ओवर ओबीपीआईसी लगी हुई है, ओबीपीआईसी को बाईपास वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ से उठा के एक जम्पर यहाँ पे मार दो, आपका 5 वोल्ट आईसी को मिल जाएगा और आईसी सही होगी, आपका चार्जिंग प्रोसेस हो जाएगा, नहीं तो सीधा आपको इस पीएमआई को चेंज करना है। आई होप ये थ्योरी आपको समझ में आएगा, तो चलिए प्रैक्टिकल में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस जो इसका प्रॉब्लम था, इस फोन में बैटरी का प्रॉब्लम था, मैंने बैटरी इसकी चेंज कर दी, देख सकते हैं स्टेप इसकी चेंज कर सकते हैं, बैटरी इसकी साइड में रखी हुई है, ये मैंने बैटरी चेंज कर दी, अब देखते हैं कि हमारा फोन ऑन होता है कि नहीं। तो चलिए गाइस प्रॉब्लम देखते हैं सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे फोन को डाटा फिर से चार्जर को लगाया हुआ है, जिसका जो प्रॉब्लम था गाइस, मैंने यहाँ पे सिंपल सा आपको सप्लाई बताया और बैटरी को चेंज किया हुआ है। अब देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था, ये देख सकते हैं बैटरी, ये मैंने इसलिए उसमें व्हाइट कप लगा दिया है और उसकी साइड में आप बैटरी देख सकते हो, साइड में उसकी बैटरी रखी हुई है, और फोन ऑन होता है और देखते हैं कि मैसेज आता है कि नहीं आता है। मैं प्रॉपर यहाँ पे चालू करके आपको दिखा रहा हूँ गाइस, और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। इसका मैंने परफेक्ट आपको सप्लाई के बारे में बताया और सोल्यूशन बताया। अगर आपका बैटरी सही है तो आपको जो मैंने वो सप्लाई बताई है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो देख सकते हैं फोन हमारा प्रॉपर ऑन हो चुका है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चार्ज भी हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे इंडिकेट देख सकते हो, चार्जिंग का इंडिकेशन भी हो रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने बैटरी भी चेंज की है, ये बैटरी आप देख सकते हो मैंने इसमें व्हाइट टेप भी लगाया, आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाइट टेप मैंने लगाया हुआ है, और पर्टिकुलर यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं वेट भी कर रहा हूँ। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इनलेस अगर आपका प्रॉब्लम बैटरी से नहीं है गाइस, मैं फिर से कह रहा हूं, तो आपको करना क्या है, सीधा और सीधा पीएमआई आईसी पे काम करना है, वो दो कंपोनेंट चेक करने के बाद। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके आप जरूर बताएं। यहाँ पे आप एम्पियर भी देख सकते हैं, प्रॉपर एम्पियर भी कंज्यूम कर रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।